ओ भाई खुआ दिया हमने, बाकी दिमाग दुमाग नहीं होता ही ना भाई। मैं यहाँ से खिला रहा हूँ, ये उधर से देख रहा। ले हाथ खा ले, खा ले हाथ। चट्ट भाई कति कटड़ा है, दूसरा ही लगा लो। कुछ के विचार का सीख ही नहीं आया अभी तो। गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि अच्छे हो गए। तो भाई स्वागत है आप सभी का मेरे एक नई वीडियो में, दिल्ली के एक नई लोकेशन से। तो भाई थंबनेल आपने देख लिया होगा, टाइटल देख लिया होगा। तो भाई आज हम जा रहे हैं डियर पार्क, जो कि है होज खास में। अब ये नहीं पता भाई उसमें कितने डियर है कितने नहीं, और लोकेशन की आपको बात करूँ अगर जगह दिखाऊँ मैं अभी कहाँ पे हूँ। तो भाई ये देखो दोस्तों, इतने बढ़िया बढ़िया लग्जरी लग्जरी घर है पूरे में। ये लगा लो जगह ही जगह भाई, 20-30 करोड़ की हर एक घर की। तो दोस्तों मैं अभी हूँ भाई ग्रीन पार्क में, अभी वॉक करके जा रहा हूँ। सामने है अपना गेट पार्क का, यहाँ से स्टार्ट हो चुका है वैसे पार्क। और भाई यहाँ पे आने के लिए आप होज खास मेट्रो स्टेशन पे भी उतर सकते हैं और ग्रीन पार्क पे भी। और भाई अगर थोड़ा सा ज्यादा है तो अपना जो है मुनीर के वाड़ा, वो भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। मुनीर कार के पुरम सब कुछ यहाँ पे पास पास में है, तो वहां से भाई ऑटो कर सकते हो, 30-40 रुपए लेगा। मैं खैर बस से आया था, वहां से वॉकिंग था ये 300-400 मीटर। तो भाई मैं आ गया हूँ सीधा ही, बाकी पार्क में जाके आगे देखता हूँ कितने के टिकट है क्या कुछ, अब आपको बताता हूँ। तो ये रहा सामने है अपने पार्क, फटाफट से कर लेता हूँ इसमें एंट्री। तो दोस्तों भाई एंट्री हमने कर ली, टिकट टुकट कुछ नहीं थी या फिर यहाँ पे कोई था ही नहीं, दूसरे गेट पे होगी। तो भाई इसका एरिया है पिछाड़ में, एक कड़ में है भाई ये पूरा। इसके अंदर क्या क्या चीज है वो सारी चीज आप पोज करके पढ़ सकते हो वीडियो। तो चलते हैं अंदर की तरफ। तो दोस्तों भाई यहाँ से खाली खाली दिख रहा है, और यहीं से आया हूँ भाई गेट से, कोई गार्ड वोट नहीं बैठा। और भाई फ्राइडे का दिन आज, ये भी नहीं कि भाई छुट्टी का दिन हो, बाकी ऐसे घूमते तो हमें नहीं मिलेगा डियर जहाँ तक मेरे को पता है। बाकी भाई काफी सारे टेढ़े फेढ़े रास्ते हैं ऊंचे नीचे, तो भाई शॉर्टकट सा लेते हैं ताकि आपको भाई 5-10 मिनट दिखाने के लिए कुछ ना कुछ नया मिल जाए। और बाकी भाई ये कैक्टस देखो भाई कितने फैल गए हैं, ऊपर से कोई कूद जाए ना, वो बोलते हैं ना क्या नाम है, खजूर से पड़ा और क्या मिल जाए आड़मेट का पता नहीं क्या होता है, इंग्लिश में होता है फॉलन फ्रॉम द स्काई एंड ड्रॉप्ड इन टू फ्राई पैन, वो होता भाई पता नहीं क्या होता है। हाँ नारियल से गिरा खजूर में अटका, तो भाई वैसा कुछ सिस्टम हो जाता है। यहाँ पे पत्थरों का ढेर लगा रखा है, बाकी खाली सा पड़ा है डियर पार्क में। डियर तो नहीं, कुत्ते दिख रहे हैं भाई बहुत सारे दिख रहे हैं। और बाकी चलते हैं आगे, आगे भी कुछ लिख रखा है भाई, क्या लिख रखा है, इनक्लाइड बेंच। ये क्या है, बेंच पर लेट जाए पैर होके पट्टी से काम, क्रॉस कर रखिए हाथों को गर्दन के पीछे बांध कर रखिए। ये क्या भाई समझ में नहीं आया, किसी को समझ आ रहा तो बताओ। लर्न डाउन ऑन बेंच की फिट अंडर द स्ट्रिप सिट अप कीप एंड लॉक्ड बिहाइंड नेक। तो भाई ये तो भाई पता नहीं कोई जानवर आ जाए उस टाइप में क्या करना है वो कुछ बता रखा होगा। बाकी भाई पूरा जंगल यही है लगा लो, बाकी देखते हैं लोग आ रहे हैं। अभी तो दिन के टाइम है, क्या ही दिक्कत है, रात को तो टेंशन भी हो भाई। आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, बाकी इधर भी है, इधर भी, इधर से लोग आ रहे हैं, तो भाई हम भी इधर ही चलते हैं। अलग रास्ते पे क्यों जाना। और ये भाई पता नहीं कब का क्या बना रखा है, बीच में कुआ सा है, कुआ तो नहीं है ये, देखते भाई क्या है जाके, शायद से कुआ ही लग रहा है थोड़ी दूर से ही देखते। तो भाई ये कुआ ही है, अंदर तो हमने क्यों ही जाना, पर बाकी भाई बार बार से तो आपको दिखा ही सकता हूँ देखो। और हाथ आगे कर दिया भाई, मैं आगे नहीं गया हूँ, सीढ़ी भी लगा रखी इसमें, कुतरना चाहे कोई अगर 5-6 दोस्त है एडवेंचर चाहते हैं तो भाई कर सकते हैं ट्राई। बाकी इधर लोग जा रहे हैं ऐसे, भाई इसमें काफी सारी चीजें मिल जाएगी, इसलिए मैं थोड़ी ऐसी हिस्टोरिकल सी जगह पे आता हूँ। खंबा बिजली का भाई कितना पुराना, यहाँ पे भाई चिड़िया कौवे कूद रहे है, बहुत शांति है, नेचर की आवाज आ रही है। तो भाई बाकी फटाफट चलता हूँ आगे, आपको और कुछ दिखता है तो वो दिखाता हूँ। यहाँ पे फिर आ गई भाई एक सामने बिल्डिंग, मकबरा सा टाइप है पता नहीं क्या है, तो चल के दिखाता हूँ भाई। इसके लिए ये बना रखा है, थोड़ा ऊपर से उठ रहा है, इधर भी ऊपर उठ रहा है, तो भाई मेरे ख्याल से तो ये पहाड़ी पे है एक किसी पे, बाकी देखते अभी ये दिख जाएगा। वीडियो होगी 2.5 मिनट की अभी ये वाले क्लिप, तो देखते भाई कुछ ना कुछ तो बढ़िया दिखेगा ही। ये भी है कोई, इसके तो शायद से अंदर जा सकते होगे, क्योंकि गूगल पे ना आने से पहले मैंने थोड़ी रिसर्च करी थी बस में बैठे बैठे, तो इधर काफी सारी आइटम दिखाई थी जो भाई देखने की है। और भाई पक्का जा ही सकते इसके बारे में, क्योंकि लिखा भी हुआ है, बोर्ड गड़ा हुआ है। तो भाई चलते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, शायद से अंदर कोई गया भी है, संरक्षित स्मारक।
तो दोस्तों अभी डियर पार्क के अंदर ही घूम रहा हूँ। इसके बीच में बहुत सारी चीजें मिल गई थी तो मैंने एक अलग से व्लॉग शूट कर लिया, या तो वो इससे पहले डाल दिया होगा या इसके बाद डाल दूंगा, तो वो भी आप लोग देख लेना। उसमें ये तो एक तो हमने बिल्डिंग मिली थी वो, और ये दो बिल्डिंग और मिली, तो तीन बिल्डिंगों का डाल रहा वो, और बाकी अगर और कुछ दिखता है तो वो आपको अभी दिखाता हूँ। डियर पार्क को हम भाई एक्सप्लोर कर ही रहे हैं। ये लगा लो भाई 100 एकड़ के आसपास, 96 एकड़, कोई थोड़ी जगह तो होती नहीं घूमने के लिए। बाकी चल रहे भाई, देख रहे हैं, जो मिलेगा आपको दिखा देंगे। तो भाई इतने पत्ते इकट्ठे होते हैं इसमें, वहाँ पे वो पड़ी है भाई ईट सी, क्या बना रखी है भाई, ये देखो रुई है, क्या है रुई रही है, पंख तो नहीं है भाई, किसी पक्षी के पंख लगे मेरे को दूर से तो। बाकी भाई ग्रीनरी बढ़िया है, पाइप वाइप दबा रखी है इसमें, तभी ग्रीनरी मेंटेन हो रही है। और भाई आगे एक घर दिख गया हमने, ट्री हाउस टाइप का, ट्री हाउस नहीं है लेकिन। तो देखो भाई शुक्र ना आए थे हम, और बाकी पूरा हफ्ता छोड़ गया, खाली शुक्रवार के दिन गेट बंद लिख रखा है, बाकी जाके देखते हैं मिल जाएगा, अगर देखने का मिल गया तो ठीक है। तो भाई ये हिरणी दिख रही होगी, हिरण हिरणी गणी है। बाकी भाई हम तो इस दूर तो देख रहे हैं। तो दोस्तों देखो भाई इतनी दूर तो देखना पड़ रहा है, तुम भी आओ कभी भी, तो शुक्र के दिन भूल कर भी मत आइयो, उसके अलावा आगे पीछे जब मन करे आ जाइयो, बाकी दिन खुला रहता है, खाली शुक्रवार के दिन ही बंद होता है। पार्क खुला है लेकिन इसके अंदर का गेट बंद है, जहाँ से आपको मेन हिरण दिखेगा अंदर है हिरण। तो भाई बाकी इधर भी है काफी सारे, इसके ऊपर चढ़ के दिखाऊं तो भाई ये टूट जाएगा, बाकी देखते है गणेश सारे, दिखाता हूँ आपको, जूम करके दिखाना पड़ेगा भाई, है तो गणेश देखो भाई दिख गए होंगे, बाकी तो भाई बंद कर रखी है फेंसिंग के ऊपर इसके, उस वाली के नहीं, खैर इस वाली के ऊपर चढ़ के देखता हूँ, अगर भाई बात बन गई तो फिर आपको भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों भाई ऊपर चढ़ गया और क्या ही करता, आपको दिखाना था। बाकी ये रहे बहुत सारे हिरण, यहाँ से बढ़िया दिख रहे हैं, देखो भाई आप दीवार के ऊपर खड़े होकर देखने पड़ रहे हिरण, इतने सारे भाई। पहले आया हूं कभी, एक बार मैं पेपर था भाई साकेत में, सैदुल्ला जाब में, तो मैं सोच रहा था भाई हिरण पार्क, डियर पार्क खाली नाम नाम का ही है, नाम ही नाम डियर पार्क है, तो भाई है हिरण गणे है, ये लगा लो गणे है भाई, कितना दिखाऊं, 200-250 तो मेरे को अपने सामने सामने दिख रहे है। और भाई इतना सा पकड़ के खड़ा हूँ, दिखाऊंगा आपको, इस पे पकड़ के खड़ा हूँ लड़के पे, देखो भाई गणे है। बाकी थंबनेल के लिए फोटो ले लेता हूँ अब एक बढ़िया सा इनका। और भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो भाई ये रहे हिरण कदी दो रहे है, तो भाई खुआ दिया हमने, बाकी दिमाग दुमाग नहीं होता ही ना, मैं यहाँ से खिला रहा हूँ, ये उधर से देख रहा, ले हाथ खा ले हाथ, चट्टा भाई कति कटड़ा है दूसरा, ये लगा लो घुस के बेचारे का सींग ही नहीं आए अभी। तो दोस्तों भाई डियर पार्क में आए थे, डियर देखने का मन था, डियर तो हमने देख लिया गणेश सारे, आपको भी दिखा दिए। तो भाई व्लॉग को क्यों लंबा खींचे, आज के व्लॉग में रखते इतना ही, मिलूंगा आपको परसों सुबह 9 बजे दिल्ली की एक नई लोकेशन के साथ, या फिर हो सकता है भाई यहीं की किसी और नई लोकेशन के साथ। तो भाई तब तक अपना ध्यान रखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना जिसने अभी तक नहीं किया है, साथ में व्लॉग कैसा लगा वो कमेंट करके बताना।